हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी की न्यू नोटिस को लेके आया हूँ। न्यू नोटिफिकेशन जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें पहला जो टॉपिक है उसमें पीजी के लिए जो न्यू ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कब से आएगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट तो आ चुका है, उसके बाद आपको दोबारा फॉर्म भरना है अगर आप वहाँ पढ़ाई करना चाहते हो पीजी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो उसका जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होगा इसके बारे में बात करेंगे। सेकेंड, हमारा जो फर्स्ट ईयर जो एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम होना है यूनिवर्सिटी के लिए, जैसे बीए, एलएलबी या फिर बीएससी वगैरह जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होना है इसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा जो है हमारा फर्स्ट ईयर का जो फॉर्म है वो लास्ट डेट कब है, इसका मेरिट लिस्ट कब आएगा और एडमिशन आपको कब तक लेना है यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी कॉलेजेस में है। तो इसमें सेकंड नंबर को पहले बताऊंगा, जो बीए, एलएलबी या फिर जो भी यूजी का जो एंट्रेंस एग्जाम होना है यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन लेंगे उन स्टूडेंट के लिए, तो उसका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो जल्द ही होगा। इसका नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है लेकिन जल्द ही आएगा, जैसे ही आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो इसमें आपको पीजी के लिए अगर फॉर्म भरना है तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है 18/7/2022 में आया था, जिसका एडमिशन जो लेने का है एडमिशन कॉलेज में आपको 18/7 से 28/7 तक आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है। तो उनका एडमिशन प्रोसेस हो रहा है जिनका फर्स्ट काउंसलिंग में नाम आया है। जिनका फर्स्ट काउंसलिंग में नाम नहीं आया है उनको दोबारा ऑनलाइन फॉर्म भरना है, जिसमें 29/7/2022 से 31/7/2022 तक आपको फॉर्म दोबारा भरना है पीजी के लिए, ठीक। पीजी के लिए आपको दोबारा फॉर्म भरना है, जिसका मेरिट लिस्ट कब आएगा 2/8/2022 में आएगा। 2 अगस्त को आपका मेरिट लिस्ट आएगा, फिर 2 अगस्त से आपको क्या करना है 15 अगस्त तक एडमिशन लेना है। तो आपको सभी को इसी में फॉर्म भरना है क्योंकि इसके बाद दोबारा आपको फॉर्म भरने के लिए मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगस्त के बाद आपका एडमिशन खत्म हो जाता है, 15 अगस्त आपका एडमिशन के लिए लास्ट डेट रहता है, तो आपको फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे नंबर का, जो फर्स्ट ईयर का फॉर्म है वो लास्ट डेट कब है। तो फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट काउंसलिंग है उसका जो लास्ट डेट है वो 29/7/2022 मतलब 29 जुलाई को आपका फॉर्म का लास्ट डेट है, जिसका मेरिट लिस्ट कब आएगा तो 30 जुलाई को आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा और 30 जुलाई से ही आपको एडमिशन लेना स्टार्ट हो जाएगा, एडमिशन आप कॉलेज में ले सकते हो। जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस है उसमें आपको क्या करना है 30 जुलाई से 5 अगस्त को आपको एडमिशन लेना है। 5 अगस्त तक आपको बहुत कम दिया गया है, मतलब 6 दिन का टाइम दिया गया है जिसमें आपको एडमिशन लेना है, या फर्स्ट काउंसलिंग का है, ठीक है। फर्स्ट काउंसलिंग में जो आपका मेरिट लिस्ट आएगा उसमें, तो अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग में कोई कॉलेज में आपका नाम नहीं आता, आप एडमिशन नहीं ले पाते, तो आपको क्या करना है सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, जो कि 6 अगस्त से 7 अगस्त तक चलेगी। सिर्फ 2 ही दिन का टाइम रहेगा सेकंड काउंसलिंग के लिए, तो इन 2 दिनों में आपको क्या करना है फॉर्म भरना है, जिसका मेरिट लिस्ट क्या होगा 9 अगस्त को आएगा, 9/8/2022 में इसका मेरिट लिस्ट आएगा 2 दिन बाद। उसके बाद आपको 16 अगस्त तक आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, 16 अगस्त के बाद कोई भी काउंसलिंग नहीं होगा, तो 16 अगस्त तक आपको क्या करना है एडमिशन लेना है। तो इसमें आपको अच्छे से देखना है, बहुत ही कम टाइम है, हड़बड़ी में कुछ नहीं करना है, फॉर्म अच्छे से फिलअप करना है क्योंकि फॉर्म में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाता है, और फॉर्म आपको खुद भी नहीं भरनी है, फॉर्म आपको जो प्रोफेशनल कंप्यूटर सेंटर होती है वहाँ आपको फॉर्म भरना है, क्योंकि खुद भरते हैं तो कोई ना कोई मिस्टेक हो जाता है। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, अगर आपको कोई भी पूछना है, कोई भी डाउट होता है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो, आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी आपके सवालों का जवाब देता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।